हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से जेटेक में आप लोगों का स्वागत है दिल की गहराइयों से। तो चलिए, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि IDBI बैंक का आप पासवर्ड किस तरीके से जनरेट करोगे अगर आपने भूल चुका है, या अगर आपने भूला नहीं है आपको न्यू पासवर्ड वहाँ से जनरेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, बैंक में आपने अकाउंट ओपन कर लिया। अकाउंट ओपन करने के बाद में आपको सिंपली क्या करना है, बैंक को एक एप्लीकेशन देना होता है इंटरनेट बैंकिंग का। तो यहाँ IDBI बैंक में वो चीज़ नहीं होती है, आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हो अपना अकाउंट और IDBI की साइट पे जाके खुद से अपना इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग को एक्टिवेट कर सकते हो। इसमें बैंक से कॉन्टेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, पूरा काम ऑनलाइन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको ब्राउज़र में लिखना है IDBIbank.com। जैसा कि आप देख रहे हो, तो आपके सामने एक साइट खुलती है। ये देखिए, जैसे ही बैंक का पेज ओपन होता है वहाँ लिखा रहता है नेट एंड मोबाइल बैंकिंग। तो वहाँ पर आपको सेट पासवर्ड पे जाना होता है, सेट पासवर्ड क्लिक करते हैं। क्लिक होने के बाद आप देख सकते हो नेक्स्ट इंटरफेस आता है इंटरनेट बैंकिंग और सेकंड है मोबाइल बैंकिंग। हम पहले इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिवेट करते हैं, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद एक पेज खुलता है जिसमें आपका कस्टमर आईडी पूछेगा। वहाँ कस्टमर आईडी डालिए जो आपकी चेकबुक के ऊपर लिखा होता है। अकाउंट नंबर डालिए, वो भी आपकी चेकबुक के ऊपर लिखा होगा या पासबुक के ऊपर लिखा होगा। वो मोबाइल नंबर डालिए जो आपका बैंक में रजिस्टर है और सबमिट कीजिए। सबमिट होने के बाद वो जनरेट न्यू रिक्वेस्ट आपको सिलेक्ट करना है, अगर आपका फर्स्ट टाइम है तो जनरेट न्यू रिक्वेस्ट। उसके बाद में ये आपसे आपका ATM कार्ड का 16 डिजिट ATM नंबर मांगेगा। ये पूरा ATM नंबर यहाँ पर आपको इंटर करना है, उसका पिन इंटर करना है, प्लस आपको जो है उसकी एक्सपायरी डेट मंथ और ईयर इंटर करके आपको चेक मार्क लगाना है। आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन, और वहाँ पर जनरेट OTP करना है। उसके बाद में आप लोगों के मोबाइल पे एक रिक्वेस्ट ID आ जाती है और उसके साथ में उसका OTP भी आता है। तो यहाँ पर आप लोगों को अपनी जो रिक्वेस्ट ID आई हुई है आपको SMS के थ्रू बैंक से वो डालना है और OTP डालना है। अगर आप लोगों को SMS नहीं आता है तो नीचे देखिए एक बटन है रीसेंड OTP, आप रीसेंड कीजिए OTP को, तो आपको दोबारा सेकंड चांस मिलता है और OTP आ जाता है। ठीक है, मैंने रीसेंड किया तो मुझे आ गया OTP, और यहाँ पर मैं अपना OTP डाल रहा हूँ, सॉरी रिक्वेस्ट ID डाल रहा हूँ। और जो बैंक से मुझे OTP रिसीव हुआ है SMS के थ्रू वो डालना है। उसके बाद में आप लोगों को कंफर्म बटन पे क्लिक करना है, वहाँ से आप कंफर्म कीजिए। कंफर्म करते ही देखिए आप लोगों के सामने एक ऐसा पेज आएगा जिसमें आपको लॉगिन पासवर्ड, ट्रांजैक्शन पासवर्ड, ये सारी चीज़ें आपसे न्यू ट्रांजैक्शन और न्यू लॉगिन, ये सारी चीज़ें आपसे मांगेगा। इस पर चेक मार्क लगाइए तीनों पे, और आपको विड्रॉ भी करना है ऑनलाइन तो इस पर भी चेक मार्क लगा दीजिए। सेट एक्सेस राइट मॉडिफाई लिमिट, ओके, यहाँ मैक्सिमम लिमिट ले लीजिए। और उसके बाद में आप अपने पसंद का लॉगिन ID और अपने पसंद का ट्रांजैक्शन ID डाल सकते हो। याद रहे कि लॉगिन में भी आपको न्यूमरिक प्लस अल्फा और उसके साथ में आपको कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करना है। उसी तरीके से आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड में भी अल्फा और न्यूमरिक और साथ में आपको स्पेशल कैरेक्टर को यूज़ करना होगा। हम आगे भी इसी तरीके की वीडियोस लाते रहेंगे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक करने से आगे आने वाले व्यूअर्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहती है और उन लोगों की भी हेल्प होती है। ठीक है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए। ये देखिए, सबमिट करने के बाद यहाँ पर हमें देता है रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली। अब हमें लॉगिन करना है, क्लिक हेयर टू लॉगिन पेज लिखा है, इधर क्लिक करते हैं। ओके, हम लॉगिन पेज पर आ चुके हैं, कंटिन्यू लॉगिन देंगे और उसके बाद में हमारा कस्टमर आईडी डालेंगे और जो पासवर्ड हमने अभी क्रिएट किया है वो पासवर्ड वहाँ पर डालना है और लॉगिन बटन प्रेस करना है।
आप लोगों को अगर कंप्यूटर से रिलेटेड, मोबाइल से रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर की जानकारी भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ओपन है। कमेंट्स कीजिए मुझे, आप लोगों को कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कोई भी सॉफ्टवेयर चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ये देखिए हमारा बैंक ओपन हो चुका है उस नए पासवर्ड से। ओके, और ट्रांजेक्शन पासवर्ड तभी यूज होता है जब हमें किसी को, अगर आपको पैसे ट्रांसफ़र करना है उस वक्त ट्रांजेक्शन पासवर्ड की ज़रूरत होती है। एक बार और रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को ज़रूर 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 लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज में, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। ZTech चैनल को देखने के लिए शुक्रिया। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखना। खुदा हाफिज। जय हिंद।